नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेरेस किचन गार्डन और हमारे चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि हमने अपने टेरेस किचन गार्डन पर अलग अलग प्रकार की सब्जियां, फल फूल आदि पौधे जो हैं लगा रखे हैं। हम हमेशा आपके लिए गार्डनिंग के कंसेप्ट के ऊपर कोई ना कोई नई वीडियो लेकर आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलोवेरा पर लगने वाले फ्लावर्स की। बाकी दोस्तों अगर आप एलोवेरा के प्लांट के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन के रूप में आपको ऊपर भी दिख रहा होगा। हमने भी अपने गार्डन में एलोवेरा लगा रखा है। बचपन में हम इसको केवल एक कांटे का पेड़ समझते थे। जब बड़े हुए इसके बारे में थोड़ी नॉलेज हुई तो पता चला कि इससे गुणकारी कोई भी प्लांट हो ही नहीं सकता। बाकी दोस्तों अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके गार्डन में भी अवश्य ही एलोवेरा का जो प्लांट लगा होगा। तो दोस्तों एलोवेरा के फूलों की बात करने से पहले मैं आपको एलोवेरा जूस के थोड़े से बेनिफिट बताना चाहूँगा। जैसे कि ग्लूकोज कम करने में ये फ़ायदा करता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। जैसे कि आपको पता ही है कि कोरोना का जो है समय चल रहा है, तो हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बाकी दोस्तों कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। हमारे पेट की अनेक बीमारियों का जो इलाज है वो एलोवेरा प्लांट में हमको मिल जाता है। मॉइस्चराइजर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन से रिलेटेड अनेक बीमारियों का जो इलाज है वो एलोवेरा प्लांट में मौजूद है। माउथवाश के रूप में भी हम इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जोड़ों के दर्द के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। आप एलोवेरा जल का लेप लगाकर दर्द को, जहाँ कह लीजिए जोड़ों के दर्द को कम कर सकते हैं। ये तो थे दोस्तों एलोवेरा के प्लांट के फायदे। जो आज हम बात करेंगे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोवेरा पर लगने वाले फ्लावर्स की। दोस्तों ये कब लगते हैं? जब भी हमारे पास एलोवेरा के प्लांट्स होंगे, जो नए प्लांट्स होंगे उस पर दोस्तों ये फ्लावर्स नहीं आते। आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास ये छोटे प्लांट्स हैं हमारे गार्डन में, इस पर एलोवेरा के जो हैं फ्लावर्स नहीं हैं। इस तरफ देखिए हमारे पास जो एलोवेरा के प्लांट्स हैं ये दोस्तों हमारे 4-5 साल पुराने हैं। तो आप देखिए कि इस पे कितने खूबसूरत जो फ्लावर्स आए हुए हैं। दोस्तों एलोवेरा के प्लांट्स पर जो ये फ्लावर्स होते हैं, हमारे बहुत कम भाई बहन जानते हैं कि इनमें जो मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एलोवेरा के प्लांट से कहीं ज़्यादा होती हैं। कह लीजिए कि एलोवेरा के प्लांट्स के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का जो सारा निचोड़ है इन फ्लावर्स में होता है। आप देखिए कि कितने खूबसूरत ये फ्लावर्स हमारे एलोवेरा प्लांट्स पर लगे हुए हैं। कई बार इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हम क्या करते हैं कि हम इनको काट कर फेंक देते हैं, जो कि हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। ऐसी गलती दोस्तों आपने बिल्कुल नहीं करनी। जैसे दोस्तों देखिए कि इस पर ऐसे जो है पंखुड़ियाँ लगी होती हैं, अगर आप इनको देखें तो इनके बीच से एक जो है रस निकलेगा। दोस्तों इसके क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बताता हूँ। आपसे निवेदन है दोस्तों की वीडियो पूरी देखिएगा। जब हम दोस्तों इनको तोड़कर मसलते हैं तो इसमें से एक लिक्विड निकलता है। इस लिक्विड को अगर आप चोट पर लगाएं तो वो चोट आपकी जल्दी ठीक हो जाती है। बाकी जिस जख्म पर या चोट पर आप लगाएंगे उसमें इन्फेक्शन भी नहीं होगी। जैसे दोस्तों बताया कि सारी खूबियाँ जो हैं इसमें एलोवेरा वाली हैं उससे कहीं ज़्यादा होती हैं। दोस्तों इस फ्लावर्स को आप एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आप दोस्तों इन फ्लावर्स को मसल कर नारियल के तेल में गर्म कर लें और गर्म करने के बाद आप उसको छान कर कहीं स्टोर कर लें, और जो दोस्तों वो तेल होगा आप किसी भी चोट पर या जोड़ों के दर्द पर लगाएंगे तो उसका उस दर्द पर एक जादुमयी असर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसका इस्तेमाल जो है आप जोड़ों के दर्द के लिए भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप इन फूलों को मसल कर रात में अपनी फटी एड़ियों पर लगा लेंगे, आप सुबह देखेंगे कि आपकी जो फटी हुई एड़ियां हैं वो मुलायम हो चुकी होंगी। अगर प्रोसेस को आप लगातार करेंगे तो आपकी जो फटी एड़ियां वो बिल्कुल मुलायम और ठीक हो जाएंगी।
दोस्तों एलोवेरा के जो बीज हैं वो इन्हीं फ्लावर्स के अंदर होते हैं। अगर आप इन बीजों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एक विधि अपना सकते हैं कि आप क्या करें कि इसके ऊपर आप एक लिफाफा डाल दें और नीचे से बांध दें, तो इसके बीज जो हैं उस लिफाफे में आकर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि बीज जो हैं बहुत ही बारीक होते हैं जो कि आप हाथ से नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखिएगा आगे से कि आपके एलोवेरा के प्लांट्स पर जो हैं जब ये फूल आएं इनका आप किसी न किसी काम के लिए बढ़िया उपयोग करें। बाकी दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपके एलोवेरा के प्लांट्स पर भी जो हैं फूल आए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।